आपके पास भी है फोर व्हीलर या फिर टू व्हीलर, कभी आप भी उसे सड़क पर लेकर निकले और आपका चालान कटा, लेकिन आपने ये सोचा कि मैं उसे पे नहीं करूंगा, यानी कि अगर कोई आपका ऑनलाइन चालान कटा और आपने ये सोचा कि मैं पे नहीं करूंगा, देखा जाएगा जो होगा, तो अब ऐसा नहीं होगा। ट्रैफिक अधिकारी आपके घर पहुंच जाएंगे और आपकी गाड़ी को जब्त करके ले जाएंगे। आप सही सुन रहे हैं, ट्रैफिक अधिकारियों ने एक नया नियम बनाया है और इसके तहत अब ई चालान होने के बावजूद आप गाड़ी को चाहे जहां भी छुपा लें, आपकी गाड़ी तक पहुंचा जाएगा, घर तक ट्रैफिक कर्मी आएंगे, आपकी गाड़ी हो चाहे टू व्हीलर हो उसे लेकर अपने साथ चले जाएंगे। पूरी खबर में आपको जो है वो डिटेल में बताता हूँ, अंत तक बने रहिएगा। बहुत जरूरी खबर है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये खबर जो है आपकी गाड़ी से जुड़ी हुई है। ट्रैफिक चालान की अगर बात करें तो वाहन मालिकों के लिए यातायात नियमों की अगर बात करें तो उसका उल्लंघन करने पर चालान मिलने के बाद जो है उसका जो जमा कराना पड़ता है चालान, उसे नहीं करने पर विभाग ने अब कार्रवाई करने की तैयारी की है। ऐसे गंभीर अपराधों में जैसे कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाना और बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, वाहन मालिकों के घर से उनके वाहन जब्त किए जाएंगे। इसके लिए लोगों की एक सूची भी तैयार की जा रही है, अगले ही महीने इस पर कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, वहां ट्रैफिक अधिकारी इस तरीके की योजना बना चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको जम्मू कश्मीर में रहकर मध्य प्रदेश की खबर क्यों सुना रहा हूं। देश भर के अंदर जब भी ट्रैफिक से जुड़ी हुई कोई भी खबर सामने आती है तो उसका असर आसपास के राज्यों में पड़ता है, और उसका असर जब आसपास के राज्यों में पड़ता है तो देश भर के अंदर जो है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज अगर मध्य प्रदेश में हुआ है, कल को जम्मू कश्मीर में भी होगा, कल को पंजाब में भी होगा, कल को हिमाचल प्रदेश में भी होगा। अब मैं आपको बताता हूं कुछ मामले जो है मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के अंदर सामने आए। यहां पर पुलिस जो अधिकारी हैं उन्होंने भोपाल और इंदौर सहित जो है कई पुलिस जो पुलिस ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो एडीजी द्वारा निर्देश दिए गए हैं, और इन निर्देशों में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि जो लोग यातायात नियमों को अनदेखा करते हैं उनके वाहन उनके घर से जब्त किए जाएंगे। जब लोग नियमों को तोड़ते हैं और उनके वाहनों पर कार्रवाई की जाती है तो उन्हें एक चलान जो है वो दिया जाता है, जहां उनका चलान काटा जाता है। कुछ लोग मौके पर जो है उसे जमा नहीं करते और बाद में इसे चुकाने के लिए छूट प्राप्त ले लेते हैं, और इसके बाद हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चलान तो कटवा लेते हैं लेकिन उनकी राशि जो है यातायात विभाग को जमा नहीं करवाते हैं। अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के तहत उनके वाहनों को उनके घर से जो है वो जब्त किया जाएगा। तो यानी कि खबर कुल मिलाकर ये है, सड़क पर आपका चलान कटा, आपने उसे पे नहीं किया, आपने कहा बाद में पे करेंगे, आप गाड़ी लेके घर आ गए और आपने उसे पे करना सही नहीं समझा, या फिर आपने वहां पर चालान कटवाया और आपने कहा हम बाद में जमा करवाते हैं, आप गाड़ी लेके घर आ गए, आपका बच्चा नाबालिग है 18 साल से कम उम्र है और वो सड़क पर निकला, आप उसकी गाड़ी सीज होनी थी, उसने रिक्वेस्ट की लेकिन उसका चालान कटा वो घर आ गया, उसके पास लाइसेंस नहीं था, उसका चालान कटा वो घर आ गया लेकिन चालान पे नहीं किया, तो इस केस में इंदौर भोपाल मध्य प्रदेश की अगर बात करें, कई जिलों के अंदर जो है अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि उनकी गाड़ियां घर से उठाकर ले आइए। इस तरीके से अब तमाम राज्य जो हैं, क्योंकि जब एक तरीके से एक राज्य के अंदर ऐसा होगा तो बाकी राज्य भी टकटकी लगाए इंतजार करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जिससे जो है ट्रैफिक में सुधार लाया जा सके। तो जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं रहेगा, यहां पर भी इस तरीके के पहले भी कई जो है वो कार्रवाई होते हुए देखी है, तो लाजमी है यहां पर भी इसका असर होगा। तो इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें, स्पीड उतनी ही रखें जितना आप उस पर नियंत्रण रख सकें, आप अगर टू व्हीलर पर हैं हेलमेट पहने, क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल करें, पायलट राइडर को भी हेलमेट पहनाएं, गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, साथ बैठे शख्स को भी सीट बेल्ट पहनाएं, पीछे बैठे शख्स जो है उनको भी बोलें सीट बेल्ट आप पहने, जितनी गाड़ी के अंदर सवारियां बैठने जो है उतनी ही गाड़ी सवारियों को बिठाएं। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, रेड सिग्नल पर जंप नहीं करें, मोड़ों पर ध्यान से मोड़ काटें, तो आप अपनी भी जान बचा सकते हैं ट्रैफिक नियमों का पालन करके, दूसरा जो पीछे शख्स आ रहा है या फिर आगे से आ रहा है उसकी भी जान बची रह सकती है। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, बाकी बड़ी तमाम वीडियोस के लिए बने बाहु एक्सप्रेस पर, तरोरा के साथ शुभम लगे बाहु एक्सप्रेस के लिए, जय हिंद।